बिहार विधानसभा में बॉटल गेम है, लेकिन बिहार विधानसभा के प्रांगण में कहां से आया इसकी जांच नहीं हो रही। पटना में कितना जिला क्रॉस करके आया इसकी जांच नहीं हो रही। बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आया इसकी जांच में दिलचस्पी नहीं है। बात यही है, अगर ये लोग अपना ईमानदारी से काम करते हैं तो आज सब लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़ता। आज बिहार की बदनामी हो रही है किन लोगों के वजह से है? इन्हीं लोगों के वजह से बदनामी है। अच्छा, आप जो चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं, जब भी आप चिट्ठी लिखते हैं तो कल मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि चिट्ठी आप लिखते हैं हम तक पहुंचता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कई लेयर्स हैं ना, हम तो रिसीव करवा करके ही हम पोस्ट करते हैं तेजस्वी जी, और हमारा घर तो 2 मिनट पैदल चले जाइए तो मुख्यमंत्री जी का घर आ जाता, रिसीव हो जाता, हम पोस्ट कर देते। अब पोस्ट जब भी करते तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री जी का वेरीफाइड अकाउंट है ना भाई, तो उसमें भी हम टैग कर देते हैं उनको, ताकि उनको इधर से भी मिले उधर से भी मिले। ये जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं ना होगी भाई, आजकल के जमाने में मुख्यमंत्री जी को इन सब चीजों से अवगत होना पड़ेगा, सीखने की जरूरत है। आपस आप वो क्या बता रहे, कोई भी लाके रख सकता है। हम तो कल भी कहे थे कि आरोप हम ही लोग पे लगेगा, लेकिन आप तो अपने ही सिक्योरिटी अपने ही प्रशासन का फेलियर भी मान लिए कि बिहार विधानसभा में रख देगा। अब कहाँ से नेपाल बॉर्डर से, नेपाल से लेके हम आ भी गए, अब बिहार विधानसभा में बॉटल भी रख दिए विपक्ष के लोग, तो क्या कर रहे थे बताया, वो क्या कर रहे थे? अरे ये लोग खुद जो लोग हैं ये सब पे टिप्पणी हमको नहीं करना। हमारा सीधा सवाल गृह मंत्री से है, हमारा सीधा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से है। जो योजनाएं बनेंगी कहां किसको जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा पैसा, उसी हिसाब से बजट का स्वरूप होगा। क्योंकि अब तक जो है अंधा होकर के कहां पैसा खर्च किया जाता, थोड़ा सा मोबाइल नहीं चल रहा। इसमें आसानी होगी, सहूलियत होगा जब आपके पास एक डेटा होगा कि भाई कौन जात के लोग जो है गरीब है उनके लिए क्या योजना लानी है। तो हमारी ये मांग रहेगी कि बिहार सरकार लगातार मटियाने का काम ना करे, और जब अपने पर आई है तो भागे मत, सदन चल रहा है वहां अनाउंस करने का। पिछले मॉनसून सत्र में भी हमने जो है जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया और हमने प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री मिलकर क्या करते, और हम लोग मिलकर के भी आए, बात भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा कि बिहार की बात नहीं है, ये देश हित के मामले में है और पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। कल पार्लियामेंट में फिर से उनके जो मंत्री नित्यानंद जी हैं लेकिन तौर पे जो है मना कर दिया कि जाति जनगणना नहीं है। अगर आप लोग याद करें तो पिछले सत्र में हमारे 2 प्रस्ताव, एक तो मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री जी से मिलने, अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो राज्य सरकार जो है बिहार का अपने खर्चे पर जाति जनगणना कराई जाए। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले और जहां तक रिमाइंडर भेजने की बात आई थी प्रधानमंत्री जी को, तो ठीक इलेक्शन से पहले सरकार के लोगों ने कहा कि बाय इलेक्शन होने वाला है तारापुर में कुशेश्वर स्थान में, उसके बाद रिजल्ट क्योंकि 3-4 तारीख को आना था, तो 5-6 को हम लोग सर्वदलीय बैठक इसमें बुला करके इस पर चर्चा करें। लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रयास जो है नहीं किया, और हमारी ये मांग है, अरे एक इंच और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके मांग पर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, अब तो भारत सरकार मना कर रही है जाति जनगणना कराने से, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी आप इसके पक्ष में थे,
हम लोगों के समर्थन में थे। तो ये जाति जनगणना क्योंकि छोटा सत्र है, इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है जाति जनगणना कराएगी।